नए कृषि कानून के खिलाफ अखिल भारतीय किसान यूनियन मंगलवार को भारत बंद करने जा रहा है। किसानों की रस्साकशी के बीच सियासी खींचतान का नजारा भी दिलचस्प हो चला है। कहीं मुखर होकर गिरफ्तारी की बात कही जा रही है तो कहीं सरकार को घेरने के लिए सियासी पार्टियां लामबंद होती जा रही हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 12 दलों के समर्थन के साथ साथ किसान भारत बंद करने जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जो दल अपने ही मैनिफेस्टो में किसान बिल के प्रावधानों को लेकर जनता के बीच वोट मांगने गई थी, वो आज किसानों की हिमायती बनती नजर आ रही है। तो क्या सरकार विरोधी दल आंदोलन में अवसर की तलाश में है? इसी पर आज का सबसे बड़ा मुद्दा है और तमाम मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आने वाले वक्त में क्या हो सकता है। और जब भारत बंद है कल, उसके बाद एक और दौर की वार्ता होगी, लेकिन आखिर वार्ता से पहले भारत बंद क्यों? तमाम अहम पहलुओं पर चर्चा हो, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। किसान संगठन संसद का विशेष सत्र बुलाकर तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। लेकिन इस आंदोलन के पीछे सियासी पार्टियां अवसर तलाशती भी नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी किसानों के जरिए अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की कवायद में है, जिसके लिए एसपी किसानों के पक्ष में लामबंद हो गई है कि किसानों के सहारे जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अपनी रोटी सेक रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को भरोसा दिलाया था कि आय उनकी दोगुनी हो जाएगी, पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों के धान की लूट हो गई, पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों के मक्का की कोई कीमत नहीं मिली, अभी भी किसानों का गन्ने का पैसा बकाया है। अकेले अखिलेश ही नहीं जो इस अवसर को अपने पक्ष में करने पर आमादा दिख रहे हों। शिवसेना ने भी अपना स्टैंड साफ कर दिया है। पहले समर्थन, अब विरोध, यानी जिसको जैसा अवसर वैसी राजनीति। तो फिर किसानों की मांग का क्या? मैं स्वीकार करूंगा कि किसान आंदोलन के नेता ने साफ साफ कहा है कि पॉलिटिकल लीडर्स हमारे मंच पर नहीं आए, उनकी इस भावनाओं का हम सम्मान करते हैं, लेकिन ये सभी कूद रहे हैं क्योंकि हमको भाजपा के विरोध करने, नरेंद्र मोदी जी का विरोध करने का एक और मौका मिल रहा है। किसान नेता भारत बंद को कामयाब बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। समर्थन का आश्वासन उन्हें हर तरफ से मिल रहा है। सरकार इतनी अहंकारी हो चुकी है, सरकार को यह लगता है और सरकार के नेताओं को यह लगता है अक वो भगवान की तरह है, जो वो लिख देंगे वो ही सच्चे हैं। बहरहाल सियासी खींचतान के बीच दिल्ली और आसपास के शहरों में लोगों की मुसीबत बढ़ती जा रही है। किसानों के आंदोलन का 12वां दिन बीत गया और यहां लोगों को महंगी सब्जियों और भारी जाम से छुटकारा कुछ और दिन नहीं मिलने वाला। टीम न्यूज स्टेट। तो खलिहान पर घमासान जारी है और आज ही योगी आदित्यनाथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष पहले समर्थन कर रहा था और अब उसका लगातार विरोध कर रहा। अलग अलग तस्वीरें जो आई हैं निकल करके, वो आई आपको दिखाते हैं।
और इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आखिर कानून वापसी के बहाने कैसे राजनीति हो रही है। 26 तारीख की तस्वीर आपके सामने है, 27, 28, 29, 30, फिर 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4, 5, 6 और 7 दिसंबर। लगातार दिल्ली वालों को आने जाने में परेशानी हो रही है। जो लोग नोएडा से दिल्ली जाते हैं, जो लोग गाजियाबाद से दिल्ली जाते हैं या जो रोज़ सफ़र करते हैं, वो लगातार परेशानियों का सामना कर रहे हैं। और ये भी लग रहा है कि विपक्ष इस पर राजनीति भी कर रहा है। आज लखनऊ से जो समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया उसकी तस्वीरें सामने आई। 3 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। अखिलेश का धरना देखिए तस्वीरें, कन्नौज जाने से रोकने पर वहीं सड़क पर धरने पर बैठ गए और हिरासत में फिर लिया गया अखिलेश यादव को। तो अलग अलग राजनीतिक दल किसानों के आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। 4 अलग अलग तस्वीरें देखिए, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार और अखिलेश यादव। और ये जो चार तस्वीरें हैं, 4 अलग अलग नेताओं को देख रहे हैं, ये सब लोग एक वक्त में इसी बिल के समर्थन में थे, इसी कानून के समर्थन में थे, लेकिन जब कानून आ गया तो अब विरोध कर रहे हैं। और इसी पर बात करने के लिए तेजेंद्र सिंह विर्क साहब जुड़ रहे हैं मेरे साथ, किसान नेता हैं। मनोज मिश्रा साहब जुड़ रहे हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। के एन पांडे साहब जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। अभिषेक वाजपेयी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। आप सभी का बहुत स्वागत है। के एन पांडे साहब, आज योगी आदित्यनाथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि मुलायम सिंह ने 2019 में कृषि से संबंधित स्टैंडिंग कमेटी में APMC मॉडल एक्ट में संशोधन को कांग्रेस हितैषी बताया था और अब विरोध कर रहे हैं, ये दोहरी राजनीति क्यों? कि हम लोग ये सोच रहे थे, समाजवादी पार्टी ये विचार कर रही थी कि किसानों के आंदोलन के दर्द को केंद्र की सरकार समझ लेगी, लेकिन आज तक वो समझ नहीं पाई। और जहां तक सवाल है योगी आदित्यनाथ जी का और नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट किया था कि किसानों की आय दुगनी करेंगे। आज किसानों के हालात क्या है, और कृषि संशोधन बिल पे लगातार किसान आंदोलन कर रहा 3 महीने से। जब दिल्ली के सभी रास्तों को जाम कर दिया दिल्ली जाने वालों को, तब ये सरकार वार्ता करने के लिए तैयार हुई, लेकिन 5 राउंड की वार्ता के बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। सरकार इंतजार कर रही है कल भारत बंद हो। भारत बंद में किसानों की ताकत, विपक्षी दलों की ताकत देखने के बाद फिर 9 दिसंबर को वार्ता करेगी सरकार। सवाल यह है कि यह सरकार संवेदनशील नहीं है। अगर यह सरकार चाहती तो निश्चित रूप से इसका हल इसके पहले निकाला जा सकता था। 5 राउंड की वार्ता के बाद भी किसानों के साथ ये सरकार हल नहीं निकाल पाए, बड़े अफसोसजनक स्थिति। और आप तो जो उत्तर प्रदेश के हालात में विरोध क्यों कर रहे हैं, देश की सबसे, मैंने आपसे पूछा था तब समर्थन क्यों कर रहे थे और अब विरोध क्यों कर रहे हैं? आज जो कृषि संशोधन बिल है उसमें तमाम खामियां हैं। विरोध उस बात का है कि MSP की गारंटी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो विवाद होगा उसका निस्तारण जिलाधिकारी करेगा, किसान चाहता उसका निस्तारण न्यायालय में हो। जो MSP की गारंटी नहीं है, जो किसानों के मूल्य के उपज की आय दुगनी करने वाले थे वो लोग किसानों को बड़े बिल में संशोधन की मांग कर रहे हैं। किसान कह रहा बिल रद्द होना चाहिए, वापस होना चाहिए। जी नहीं, मैं संशोधन की नहीं, मैं तो लगातार इस बात की का विरोध कर रहा हूं कि जो नया कृषि संशोधन बिल केंद्र की सरकार ने लागू किया उसमें MSP की गारंटी हो, खरीद बिक्री दोनों तय हो। दूसरा, सर इसके पहले आप APMC खत्म करने जाने की सिफारिश को सही मान रहे थे, अब आप विरोध। आपको ये लगता है, आपको कहीं ये तो नहीं लगता कि अच्छा खासा राजनीति चमकाने का मौका यही है? और अखिलेश यादव तो अब तक सड़क पर भी नहीं आए थे, पहली बार आज पता नहीं कैसे निकल गए। सर नहीं, आप भी जानते हैं ये बात, नहीं निकले आज पहली बार क्योंकि चुनाव करीब आ रहा है तो राजनीति करने का मौका मिल गया। सवाल है
नहीं रंजीत, अंजीत सवाल है कि हम तो विचार कर रहे थे कि किसानों की समस्या पे संवेदनशीलता के साथ। सर ट्विटर पे कौन सा विचार कर रहे थे आप? विचार करते ट्विटर पे विचार होता है क्या? लेकिन उसका लगातार मैं भी ट्वीट पढ़ता हूँ सर, और आपसे सवाल पूछता हूँ लगातार। अखिलेश यादव कहाँ हैं? ओके सर, पर हैं जी। ओके, हम सड़कों पर। ठीक है सर, मैं आपके पास दोबारा उत्तर प्रदेश की, मैं तेजेंद्र सिंह वीर साहब के पास जाना चाहता हूँ। ओके, फिर अभिषेक के पास जाऊंगा, फिर मनोज जी के पास। तेजेंद्र सिंह वीर साहब मुझे एक बात बताइए, तमाम दलों का समर्थन मिला है भारत बंद को लेकर, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये राजनीतिक दलों का समर्थन, ये कहीं आंदोलन राजनीतिक ना हो जाए? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये आंदोलन किसान ने खड़ा किया, राजनीतिक दल बाद में आए थे और राजनीतिक दलों ने इस पर लगातार प्रोटेस्ट किया, लेकिन राजनीतिक दलों के प्रोटेस्ट के बाद भी सरकार कहीं ये एक बहाना बना दिया कि राजनीतिक दल इसके पीछे हैं, लेकिन जो 26 तारीख की कॉल थी दिल्ली चलो, वो किसान निकला, देश का किसान निकला है सड़कों पर, राजनीतिक दल नहीं निकले। अगर राजनीतिक दल पहले निकले होते तो आज किसान को निकलने की हो सकता है जरूरत ना पड़ती, लेकिन जब राजनीतिक दलों ने अपने हाथ खड़े कर दिए तो इस देश का किसान दिल्ली की ओर निकला। आज किसान निकला है, जन आंदोलन है, आज राजनीतिक दलों का समर्थन जरूर मिला है, स्वागत है राजनीतिक दल अगर किसान के साथ खड़े हैं, लेकिन एक शर्त है कि राजनीतिक दलों का स्वागत किसान करेगा, लेकिन इस शर्त के साथ को झंडा और बैनर लेकर नहीं, किसान बनकर हमारे साथ आए, किसान बनकर हमारी आवाज़ को बुलंद करे, किसान संगठन उसका स्वागत करेंगे, लेकिन ये किसानों का आंदोलन है, ये आंदोलन राजनीतिक दलों से बाहर निकल चुका है और जन आंदोलन बन चुका है। इस समय पूरे देश का किसान इन तीन कृषि कानूनों के खिलाफ पूरे देश के अंदर फैल चुका है, और कल 8 तारीख का जो बंद है, इस बंद के अंदर तमाम ट्रेड यूनियनों का, तमाम राजनीतिक दलों का समर्थन जरूर है, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि किसान अपने बलबूते पर कल के आंदोलन को सफल बनाने के लिए पूरा प्रयास करेगा, और जो मोदी जी कहते हैं कि एक प्रदेश के किसानों की समस्या है, कल जब संपूर्ण भारत बंद होगा तो ये शक जो है मोदी जी का भी निकल जाएगा कि एक प्रदेश की समस्या है या पूरे देश के किसानों की समस्या है। मुझे एक बात बताइए तो इंद्र विक साहब, जब बातचीत चली रही थी और परसों एक बार फिर से सरकार के साथ बातचीत है, उससे पहले भारत बंद का क्या मतलब था? नहीं नहीं नहीं, हमारी वार्ता से पहले हमने 8 तारीख के भारत बंद की कॉल दे दी थी, और सरकार ये कह रही थी कि हम 8 तारीख को वार्ता करना चाहते हैं दोबारा, जो छठे राउंड की है जी। लेकिन हम तमाम संगठनों ने कहा कि 8 तारीख को हमारा भारत बंद है, 8 तारीख को वार्ता नहीं कर सकते, इसलिए 9 तारीख की गई है, लेकिन भारत बंद की कॉल उससे पहले की थी। ओके सर, ओके ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। मनोज जी, किसानों की समस्या का समाधान हो जाता तो आंदोलन ही खत्म हो जाता, आप जानबूझ के क्या लंबा खींचना चाहते हैं? जी हाँ, देखिए मोदी जी की सरकार जो 3 कृषि बिल लाई थी, इनका कभी न कभी किसी न किसी रूप में सारे राजनीतिक दलों ने जो आज विरोध कर रहे हैं समर्थन किया था, वो आज माननीय जो केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी की प्रेस और अन्य मामलों में सामने आया, जैसा कि आप भी बता रहे थे, तो उसको विस्तार से बताने की जरूरत नहीं। अभी तेजिंदर सिंह जी कह रहे थे कि जो राजनीतिक दल के नेता हैं वो किसान बनकर आए, तो उस पर मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। मैंने केजरीवाल जी का देखा व्यू जब वो वहाँ जा रहे थे सेवादार बन के, और अखिलेश जी का देखा जब वो किसान बिल का समर्थन करने विरोध करने जा रहे थे, तब दोनों लोगों की आप अगर वीडियो फुटेज देखें और गंभीरता से देखें तो दोनों लोगों के, सीमा अखिलेश जी की विशेषकर मैंने देखी, एक भी किसान उसमें नहीं था, सब सूटेड बूटेड लोग थे, यानी कि वो प्रायोजित लोग थे। और तीसरी बात ये कि ये राजनीतिक दल पिछले 3.5 साल उत्तर प्रदेश में और पिछले 6-7 साल से केंद्र में कोई भी प्रभावी आंदोलन देशव्यापी या प्रदेशव्यापी खड़ा नहीं कर पाए, क्योंकि इनको मोदी सरकार और योगी सरकार की नीतियों ने ध्वस्त कर दिया था और जनता का विश्वास जीत लिया था, तो ये अपने दम पर आंदोलन करने की स्थिति में नहीं थे।
इनको जब किसान आंदोलन का कंधा मिला तो इन्होंने बंदूक दाग दी, तो किसान आंदोलन को, किसानों के कंधे को लेकर इन्होंने, मैं कह रहा हूं मनोज जी, और आंदोलन कह रहा हूं आपसे मनोज जी, तेजेंद्र सिंह जी वो आंदोलन कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, आप ये कह लीजिए वो राजनीति कर रहे हैं, आप ये कह लीजिए किसानों के कंधे पर बंदूक रख के चला रहे हैं, ये कह लीजिए इस आंदोलन में खालिस्तान आ गया है। लेकिन सर भरी सर्द में किसान सड़क पर बैठे हैं, पहला ऑप्शन और पहला टारगेट तो आपका ये होना चाहिए कि किसानों का आंदोलन खत्म हो, वो बेचारे घर जाएं, राजनीति तो आप बाद में भी कर लेंगे ना। देखिए देखिए मुझे अंजीत जी, हम दोनों बातों के एक मिनट के अंदर जवाब दे देंगे जी, हम समय नहीं लेते, हम पॉइंट वाइज बोलते हैं जी। दूसरी बात अंजीत जी, जैसा कि कह रहे थे किसान बन के आए, तो उस पर मैं कह रहा था कि ये जो है सूटेड बूटेड लोग गए थे, किसान लोग नहीं गए, और इन्होंने कहा कि किसान बन के आए, तो आप ये देखिए वीडियो फुटेज आज जो चला है, जब से केजरीवाल जी गए और जब से अखिलेश यादव गए, किसान नेताओं का चेहरा नहीं दिखा। एक तरफ अखिलेश यादव का चेहरा चल रहा था, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल का चल रहा था, और एक चैनल चला रहा था कि किसान आंदोलन हाईजैक हो गया। ये मैं कह रहा था, ये आंदोलन धीरे धीरे किसानों की पकड़ से बाहर होता जा रहा और विपक्षी राजनीतिक नेताओं की गिरफ्त में आता जा रहा, जो कि वो एक जमीन तलाश रहे थे, उस जमीन को मजबूत करने का उन्हें एक मौका मिला, और ये भोले वाले इस देश के किसान नहीं समझ पा रहे। दूसरी बात, जो आंदोलन की आप बात कह रहे थे, आप देखिए लगातार पांच दौर की वार्ता हो चुकी थी और किसानों की सहमत से ही छठवें दौर की वार्ता की तिथि तय हुई थी। वो सरकार वार्ता तो आप करना चाहते हैं, वो उन्होंने कागज पर साफ साफ लिखा यस आर नो, यानी हाँ या ना में आप जवाब दीजिए, तो लंबा तो आप खींचना चाहते हैं ना सर, उन्होंने तो कहा हाँ या ना में जवाब दीजिए, बिल वापस आप लेंगे या नहीं लेंगे। देखिए अंजीत जी, अंजीत जी, अंजीत जी, क्या कोई क्या सुनिए अंजीत जी, ये बताइए क्या देश का कोई भी आंदोलन हाँ या ना से समाप्त हुआ? क्या उसमें डिबेट नहीं हुई? क्या उसमें लंबे दौर की बैठकें नहीं हुई? अगर एक आंदोलन आप बता दें कि यस और नो में हुआ, आप कर लीजिए, मैं आपके तो पास आता हूं, भारतीय जनता पार्टी सरकार स्वीकार कर लेगी। मेरे साथ अभिषेक जी भी जुड़े हुए हैं, मैं आता हूं सर आपके पास। अभिषेक वाजपेयी साहब, मुझे एक बात बताइए कि 2019 के घोषणा पत्र में सीरियल नंबर 11 प्रश्न संख्या 17 में कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखा कि एपीएमसी एक्ट खत्म कर देंगे। 2013 में कॉन्क्रीट खेती पर सिफारिश आपने की, ठेके पर खेती कराने की अब बात का आपने समर्थन किया। आप करिए तो रामलीला, वो करे तो रासलीला। लेकिन आप एक बात कहना भूल गए, वो कहना ये भूल गए कि हमने किसानों के साथ वार्ता को भी प्राथमिकता दी। आपको मैं इस बात को ध्यान दिला दूं कि 1986 में आपको याद होगा कि वोट क्लब में जब कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा था, तो महेंद्र सिंह टिकैत जी की अगुवाई में वहां पे आंदोलन हुआ, कांग्रेस पार्टी ने अपना अधिवेशन दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया और साथ ही मंत्रिमंडल एक तुरंत ही आनन फानन में मंत्रिमंडल बनाया और जा करके वहां पे 20 दिन रोज जा करके महेंद्र सिंह टिकैत जी से और बाकी किसान नेताओं से वार्ता करते थे। और यहाँ पे सरकार क्या कर रही है, उनको बुला रही है। अगर सरकार की मंशा साफ होती तो वो वार्ता ना करती, वार्ता तब करती जब उसको कानून पास कराना था। इस बात को भी ध्यान कहिए और इस बात को भी बताइए, और मुजफ्फरनगर की वो घटना भी बताइए जब महेंद्र सिंह टिकैत जी ने आंदोलन किया था, तो उस समय वीर बहादुर जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो जा करके उस आंदोलन को खत्म कराया था, उनकी वार्ता को माना था, उनकी बात को माना था, इस बात को भी बताइए। और मनोज जी को शर्म आनी चाहिए कि हमारे किसान भाई की कैसे बातों को तोड़ मनोड़ करके बोला है उन्होंने, इस बात को देखिए। उन्होंने राजनीतिक पार्टी का स्वागत इस वजह से किया कि देश की बुनियाद जो हमारे किसान भाई हैं, उस बुनियाद को बचाने के लिए आह्वान किया है, और हम सब अपने देश की प्राथमिकता को तय करते हैं, क्योंकि देश रहेगा तो हम सब रहेंगे, किसान रहेगा तो बुनियाद रहेगी देश की। इस बात को मनोज जी को याद रखना चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि उनकी इस बातों को तोड़ मरोड़ करके मनोज जी बोल रहे हैं। मनोज जी, आप जवाब दे लीजिए जल्दी से, फिर बाकी लोग पास जाऊंगा। देखिए अभिषेक जी, अभिषेक जी, ये बताइएगा आप एमएसपी को कानून बनाने की बात कर रहे हैं, आपकी सरकार इतने दिनों तक रही, आपने एमएसपी को कानून क्यों नहीं बनाया? दूसरी बात, पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, आपकी सरकार में चल रही है, आज भी चल रही है, पेप्सिको को तो बोल सकते हैं, अभिषेक जी बोल सकते हैं, फार्मिंग कर रही है, उस पर आपने क्या कहना है? आप जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विरोध कर रहे हैं, आपके प्रदेश की कांग्रेस सरकार कर रही है। मनोज जी,
लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए, आपने अपने पूंजीपति मित्रों और उद्योगपति मित्रों को किसान बनाने के लिए और किसान भाइयों का हक छीनने के लिए ये कानून आनन फानन में आपने पास किया है। अरे आपको शर्म आनी चाहिए, आप ये बताइए, पतियों के खिलाफ आपको बोलना चाहिए, आप किसानों की बात करनी चाहिए थी आपको। लेकिन वही राजनाथ सिंह जो किसानों के ऊपर गोली चलने के बाद बोला था कि मैं जब भी किसान भाई आह्वान करेंगे मैं खड़ा होऊंगा, आज राजनाथ सिंह जी कहां पे है इस बात को बताइए। और आज आप तोड़ मरोड़ करके बोल रहे हैं इस बात को, इस तरीके से बातें निकाल रहे हैं। अरे मनोज जी कैसे, आखिर कौन सी चक्की का आटा आप खाएंगे, चलिए सर, सब लोग जब किसान हितैषी हैं तो पता नहीं क्यों किसान आंदोलन कर रहे हैं और किसान इस हालत में पता नहीं क्यों है, मुझे बात समझ में नहीं आती। इस सवाल का जवाब मैं तेजिंदर जी से लूंगा, लेकिन उससे पहले अनिल यादव मेरे सहयोगी जुड़ गए लखनऊ से। अनिल मुझे एक बात बताइए कि एक एडवाइजरी आई है और कहा गया कि जबरन अगर दुकान बंद कराएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तमाम अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात भी होने वाली थी, क्या चर्चा हुई आज? बिल्कुल, देखिए आज एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से हमारी बात हुई थी, हमने पूछा था कि कल का जो भारत बंद है उसमें यूपी में भी बंद रखा जाएगा सारे जिलों में, तो उसको लेकर क्या तैयारी है। उन्होंने साफ कहा है कि देखिए बंद को लेकर तमाम जिलों के पुलिस अधिकारियों को एडवाइजरी भेज दी गई कि सतर्कता बरतें और सावधान रहें, और उन्होंने ये भी कहा है कि किसानों से पुलिस को भिड़ने की जरूरत नहीं है, अगर वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं बंद करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कोई जबरन दुकान बंद कराएगा, प्रतिष्ठान बंद कराएगा, बाजार बंद कराएगा तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा, और जो जरूरत की दुकानें जहां पर रोजमर्रा की चीजें मिलती हैं उनको खुला रखने का आदेश है, और कोई अगर जबरन उन्हें बंद करा रहता है तो पुलिस बहुत कड़ाई से निपटेगी। हालांकि तमाम दलों का समर्थन है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि इस बंद में कोई दम नहीं है, लेकिन किसकी बात सच है इसका फैसला कल ही हो जाएगा, अब ज्यादा देर नहीं रहेगी, और कल बंद का क्या असर होता है इस पर पूरे देश की निगाहें रहेंगी, और खासकर लखनऊ और यूपी में भी देखना होगा कि यूपी के लोगों का कितना समर्थन है किसान के इस आंदोलन को। अनिल, दुबग्गा मंडी जैसे तमाम मंडियों ने ये कहा है कि हम किसानों के समर्थन में मंडी बंद रखेंगे, उनका क्या करेंगे ये? बिल्कुल, दुबग्गा मंडी ने पहले ऐलान कर रखा है कि वो मंडी में कामकाज बंद रखेंगे, तो अगर मंडियों में कामकाज बंद होता है तो लखनऊ के लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि एक दिन का ही ये बंद है। लेकिन अगर यूपी बंद रहा ठीक ठाक तो अभी जो कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र और ये हरियाणा और पंजाब के किसानों का आंदोलन है वो बात गलत साबित होगी, पूरे देश की निगाहें यूपी पर लगी हुई, देश का सबसे बड़ा राज्य है, लोग देखना चाहते हैं कि यूपी में किसानों के आंदोलन को लेकर क्या माहौल है। जी, 11 से 3 ही वैसे बंद करने के लिए कहा गया है। तेजिंदर सिंह विर्क साहब, मैं एक बात समझना चाहता हूं आपसे, जब सभी दल आपके साथी हैं और सब कह रहे हैं हमने किसानों के भले के लिए काम किया, तो आज ये कैसे हो गया? क्या मैं समझा नहीं आपका सवाल, सर दोबारा पूछना चाहता हूं। तेजिंदर सिंह विर्क साहब, कांग्रेस कह रही है हमने बहुत बड़ा काम किया किसानों के लिए, दोबारा बीजेपी कह रही है हम किसानों के साथ हैं, फिर ये हालात क्यों हो गए? देखो, एक पार्टी ने हॉस्पिटल में पहुंचाने का काम किया, दूसरी ने आईसीयू में पहुंचाने का काम किया है। किसानों के लिए अगर कांग्रेस ने काम किया होता तो इतने आत्महत्या देश का किसान नहीं करता जितनी बड़ी संख्या में पिछले 2 दशक के अंदर देश के किसानों ने आत्महत्या की है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट 2006 में आ गई थी, अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार चाहती तो उसे लागू कर सकती थी, लेकिन उसके बाद 2014 से लेकर आज 7 साल 6.5 साल होने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं आय दुगनी कर दूंगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा खड़ा होता है कि एक तरफ आप आय दुगनी करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ आपने 3 कानून लाने का काम उस कोरोना की आड़ में किया जब पूरा देश बंद था। आप 5 जुलाई को रातों रात 3 अध्यादेश ले आए, देश का एक भी संगठन, मेरे भाजपा के साथी बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूं आप बताइए कौन से एक भी संगठन ने ये मांग की थी कि ये ऐसे कानून किसानों के हित के लिए लाए जाएं? अगर समर्थन किया था तो बताएं। विर्क साहब एक बात बताइए, विर्क साहब एक बात बताइए, जो 9 तारीख को बैठक है संगठन उसमें वार्ता करेंगे क्या, उसमें भी पर्चा दिखा देंगे ऐसा? नो, नहीं, हमने कह दिया है कि पहले आप जो है कोई हमें पहले बताइए लिखित में कि आपका क्या एजेंडा है। पहले सरकार ने कहा है कि हम पहले एजेंडा तैयार करेंगे अधिकारियों से मिलकर, फिर आपको बताएंगे कि इस एजेंडे पे बात होगी, तब किसान संगठन बात करने जाएंगे। और लेकिन सरकार को जो भ्रम है
सरकार लगातार गुमराह कर रही है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। इनके पास एक हीरो है सनी देओल, किसी फिल्म का डायलॉग था, उस डायलॉग को चरितार्थ करने वाले भारतीय। चलिए सर, आजकल सनी देओल इन्हीं की पार्टी में और सांसद भी है। निर्दयी इतनी। अभिषेक जी माफी, समय खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए।